एक बड़ी कमाल की कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। अगर आप इस छोटी सी कहानी को समझ गए तो हो सकता है आपके जीवन में रूपांतरण इसी क्षण से घटित हो जाए। एक बार गौतम बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपने प्रवचन को खत्म करते हुए आखिर में उन्होंने लोगों से कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। सभी लोग बुद्ध के इन आखिरी शब्दों को सुनते हैं और अपने अपने हिसाब से उन शब्दों को अर्थ देते हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, आनंद, मैं कुछ देर टहलना चाहता हूं। आनंद और बुद्ध दोनों विहार के लिए चल पड़ते हैं। इतने में ही एक स्त्री दौड़ते हुए बुद्ध और आनंद के पास आती है और बुद्ध से कहती है, बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक इतनी बड़ी सीख दे दी जिसके बाद आने वाला मेरा सारा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे हमेशा से ही एक बुरी आदत थी, मैं कोई भी काम समय पर नहीं करती थी, पर आपको सुनने के बाद आपकी बात मेरे हृदय को लग गई और अब मैं हर काम समय पर करूंगी। मैं पेशे से एक नृत्यांगना हूं। आज मुझे राजा के यहां नृत्य करने जाना था, परंतु आपके प्रवचनों के कारण मुझे देर हो गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। आगे से मैं किसी भी काम को नहीं टालूंगी, हर काम को समय पे करूंगी। इतना कहकर वह स्त्री बुद्ध के पास से चली जाती है। इतने में ही एक और व्यक्ति बुद्ध के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, बुद्ध, मैं आपके चरण छूना चाहता हूं, आपके प्रवचनों ने मेरे जीवन के अंदर रूपांतरण ला दिया है, आपके द्वारा कही गई आखिरी बात मेरे हृदय में घर कर बैठी है। मैं हमेशा से ही सभी कामों को टालता रहता था या उन्हें देरी से करता था, पर आपको सुनने के बाद मुझे यह बात समझ आ गई है कि हमें हर काम समय पर करना चाहिए। बुद्ध, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं पेशे से एक डकैत हूँ और आज मुझे एक जगह डकैती डालने जाना था, परंतु आपके प्रवचनों के कारण मुझे देर हो गई, इसका मुझे बहुत दुख है। आगे से मैं याद रखूंगा कि हमारे पास समय कम है, इसलिए हमें पहले जरूरी काम करने चाहिए। इतना कहकर वह व्यक्ति भी बुद्ध के पास से चला जाता है। इतने में ही एक और व्यक्ति दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। बुद्ध उसे पकड़कर उठाते हैं और पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, ना जाने कितने वर्ष मैंने अंधकार में बिता दिए, मेरे जीवन का बहुत सारा समय मैंने व्यर्थ ही गवा दिया, मुझे इस बात का बहुत दुख है। कल तक मैं अनजान था इस बात से कि जिस खुशी को मैं बाहर हर जगह हर किसी में ढूंढ रहा हूं, वह खुशी बाहर नहीं मेरे भीतर ही है। बुद्ध, मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया, और मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि अब मुझे मार्ग मिल गया है और अब उस पर चलने में मैं क्षण भर की भी देरी ना करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि समय हाथ से निकला जा रहा है। बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह व्यक्ति भी बुद्ध के पास से चला जाता है। बुद्ध अपने शिष्य
आनंद से कहते हैं, देखा आनंद, मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी, परंतु उसका अर्थ हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ से अलग निकाल रहा है।